मिर्ची बॉलीवुड। एक्चुअली इट्स क्वाइट अ बिग हाई पॉइंट फॉर आर शो टुडे बिकॉज मॉली को पता चला है। अभी तक तो वो सोचती थी कि कुनाल अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, उनकी अपनी बच्ची है, और कहीं ना कहीं इस बात का लेट जो भी गुस्सा भी था कहीं से कि मतलब वो तो खुश है तो वाई शुड आई नॉट मूव ऑन, ऐसी फीलिंग आई थी मॉली में। और अभी जब ये पता चलेगा कि नंदिनी नहीं है, नंदिनी से बहुत नाराज़गी थी मॉली को, बेस्ट फ्रेंड्स थे और ऐसा हो गया, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। सो जो उनका बॉन्ड था, सब कुछ था, सब कुछ याद आएगा एंड शी विल फील कि शिट मैं क्या सोच रही थी और ये क्या हो गया हुआ। मॉली एक नई शुरुआत करने आई थी, नई शुरुआत कर रही है, इस सच्चाई के बाद क्या बदलाव होगा या कुछ कहानी में इंटरेस्ट है? देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, बट डेफिनेटली क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुनाल को नहीं भुला पाई है, कुनाल अभी भी उसे बहुत बॉदर करता है, और अब जब पता चला कि कुनाल की लाइफ में जिसके लिए सब कुछ हुआ वो है ही नहीं, सो लेट्स सी कुछ तो होगा। मॉली के दिल में आई थिंक ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर है बिकॉज वी डिड अ सीन यस्टरडे जिसमें मॉली बोलती भी है कि प्यार एक ही बार होता है। सो मतलब आई थिंक वो कहीं ना कहीं हील नहीं हुई है पूरी तरीके से। सो सॉफ्ट कॉर्नर तो है कुनाल के लिए, लेकिन उसको लगता था कि वो अपनी दुनिया में खुश है और मुझे भी अब लाइफ में आगे मूव करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ देखकर कि नंदिनी ही नहीं है और उसकी जो बच्ची है, मतलब नंदिनी और कुनाल की बच्ची थी पर उनकी उसकी माँ ही नहीं है, तो आई थिंक देखकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत मेजर चेंज आएगा।